नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। बकरीद ईद उल अजहा पर रायपुरा ईदगाह में भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा किया और एक दूसरे से गले मिले। देखिए वीडियो में और लाइक कमेंट जरूर करें, धन्यवाद। तो इस बात को याद के ट्रेसिंग के मतमान कैसे हो रहे हैं तो अधिकार में एक बार तक खाना भी रख लें। अल्लाहुम्म बल्लि रूह मुहम्मदि व आलि मुहम्मदि। चीफ गेस्ट, ठीक है, बोलो ईद मुबारक। बकरीद मुबारक बोलो। बकरीद मुबारक हो। बकरीद के शुभ अवसर पर आप सब लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। आइए, बकरीद आज कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को शांति, अमन और शांति का संदेश देना चाहते हैं। लोग इसी तरह से प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। कितना बजे मैंने यहाँ नमाज खत्म हो गई? यहाँ 7:15 में नमाज ख़त्म हो गई थी, 7 बजे शुरू हुई थी। नाम बताइए। मोहम्मद दाऊद आलम। बताइए आज कैसा, बकरीद के बारे में क्या सोचते हैं? आज हमारा ईद था, बकरा ईद, जिसमें कुर्बानी कटेगी, बकरा कटेगा और भाईचारे मिल के संदेश है ये। हम लोग इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं। कितना बजे नमाज का समय हो गया था? नमाज पूरा हो गया? नमाज का टाइम था 7:00। जो बकरा और कटता है वो कितना बजे कटता है, इसका कुछ नियम कानून? इसका 4 बजे तक टाइम है। समय 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद अपने कल भी कटेगा, कल भी कटेगा, परसों भी कटेगा, 3 दिन बकरा ईद रहता है। हाँ, लेकिन समय के अनुसार कटता है। हाँ, समय के अनुसार कटता है। ठीक है, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही है कि सब शांति बनाए रखे, शांति बना के बहुत अच्छी तरीके से ईद मनाए। नाम बताइए। जन्मदिन मिंटू। ये चल रही है, चल रही है ना, ये हम लोग का बहुत अच्छी है। हमारे जो हाँ बकरीद हम लोग को जो आता है, हम लोग का जो होता है क्या बोलता है, बहुत पुराना रीति रिवाज से आ रहा है जी। हम लोग भाईचारे मिल के एक दूसरे से बहुत मोहब्बत से मनाते हैं, गले मिलते हैं, जो हम लोग की खुशी होता है एक दूसरे से शेयर करते हैं जी। और कुछ तुम भी बोलिए सोनू भाई। हर साल ऐसा ही हो, खुशी से परब, बस और क्या कहना है। नाम सोनू खान, लखन टोली। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। बोला जी, बोला जी, शुभकामना तो बकरीद का बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, तमाम फतुहा वासियों को। राजा भाई जी, हाँ ईद मुबारक आपको, भी ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बहुत दिन के बाद मिले। देख सकते हैं नमाज पूरा हो गया है, लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। ये आज बकरीद का दिन है जिसको हम लोग ईद उल अज़हा कहते हैं। इस दिन कुर्बानी होती है कि आज
हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, तो उसी के परंपरा को आज जिंदा रखने के लिए हम जो है, उन्होंने तो अपने औलाद की कुर्बानी की, आज हम अपने दिल में जो कीना हसद जो एक दूसरे के नफरत है, हम उसकी कुर्बानी खुलूस के साथ रब के बारगाह में दें। जब हम अल्लाह के बारगाह में देते तो ये चीज़ें हमारी कबूल होती है, और आज का ये दिन हमें मोहब्बत और भाईचारा अमन की जो है पैगाम देता है कि हम जिस तरह उन्होंने अपने औलाद की कुर्बानी की थी, हम नफरत की कुर्बानी करके मोहब्बत के चिराग को जलाएं, मोहब्बत के चिराग को रोशन करें, यही आज के दिन का पैगाम है। अच्छा, इसमें बकरी जो बलिदान किया था उसका कुछ समय सीमा होता होगा? समय सीमा होता है सुबह सादिक से लेकर के जो है गुरुबे आफ्ताब से पहले पहले जो है उसकी कुर्बानी दी जाती है। बीच में 11 से 12 के बीच में जो जवाल का वक्त होता है उसमें कुछ रुक करके फिर जो है कुर्बानी कर सकते हैं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद अफजल हुसैन नूरी, खतीब व इमाम, जामे मस्जिद खानकाह बल्खिया, फिरदौसिया, रायपुरा, फतुहा। आज बकरीद का नमाज 7 बजे अदा की गई, इसमें फतुहा प्रखंड के विभिन्न मोहल्ले के लोग उपस्थित हुए और समय पे नमाज अदा की गई। बकरी जो या जो भी बलिदान दिया था उसका कुछ समय सीमा, कुछ नियम कानून बताइए। बलिदान जानवर का ही सिर्फ नहीं है, बलिदान तो इंसान के नफरत का भी है, गुस्से का भी है। और समय सीमा क्या, नमाज के बाद जानवर का जो कुर्बानी होता है, लोग जो उस लायक हैं अपने घर में कुर्बानी को देते हैं। अमजद रजा। बकरीद के अवसर पर ये त्याग का और बलिदान का त्यौहार है, ये बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे ईदगाह में, रायपुरा ईदगाह में नमाज अदा की गई है, और विश्व में अमन चैन शांति रहे यही कामना के साथ हम लोग आपस में इस पर्व त्यौहार को बड़ी बढ़िया से मना रहे हैं। नाम बताइए। संदीप कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 20, नगर परिषद फतुहा। सर जी, ये बकरीद का त्यौहार है और ये जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों बाप बेटे हैं और इनका जो है इसमें यादगार मनाया जाता है, क्योंकि कुर्बानी के शक्ल में जो अल्लाह ने कुर्बानी मांगा है तो वो कुर्बानी जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया गया, इस का जो यादगार मनाया जा रहा है। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्बानी को जो है सरेआम मजहब इस्लाम से जो है कि मतलब यह किया गया, तो कुर्बानी आज के दिन किया जाता है और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, बस यही कुछ। नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुल्ला वारसी। इसका खाया गया, क्या संदेश देना चाहते हैं? बकरीद की शुभ अवसर पर तमाम फतुहा वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बकरीद के अवसर पर फतुहा एवं बिहार वासियों को बकरीद का मुबारकबाद। आप सभी सद्भावना के साथ बकरीद मनाएं और खुश रहें। नाम बताइए। दयानंद प्रसाद सिंह, नगर राजद अध्यक्ष, फतुहा।